असलम वेलकम टू माई चैनल के एच ऑनलाइन अकैडमी तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर टेन पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री है जी हमारे पास वन माइनस एक्स का स्क्र इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्र माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्व टू ज़ीरो ठीक है जी इसवेशन का नाम है हमारे पास लिजेंडर्स इक्वेशन लिजेंडर्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लिजेंडर्स इक्वेशन है ठीक है जी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टेन पॉइंट फाइव का आपको क्वेश्चन नंबर वन और टू करवाया है बिल्कुल उसी स्टेप्स पे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री को जो है वो फॉलो करना है और आपको पता है कि जी टेन पॉइंट फाइव में जो हमारे पास मेथड यूज़ हो रहा है वो है जी रिडक्शन ऑफ ऑर्डर तो हमने क्या करना है जी ऑर्डर को रिड्यूस करना है पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है फिर हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो हम आसानी से निकाल लेते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स आ जाएँ ठीक है जी यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्सटेंट्स हों मतलब कॉफिशेंट्स लिखे हों वाई डबल डेरेवेटिव का सिंगल डेरिवेटिव का और वाई के जो हमारे पास कॉफिशेंट लिखे होते हैं वो अगर वेरिएबल्स ना हो तो आपको पता है कम्प्लीमेंट्री सोलूशन बहुत आसानी निकाला जा सकता है लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में आ गए हैं मतलब उसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देखें जी हमने तब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके लिए आपके पास तीन केसेज हैं वन माइनस पी प्लस क्यू करें अगर हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है तो हमारा सोल्यूशन होगा जी ई e की पावर माइनस एक्स ठीक है ये पी के साइन पे डिपेंड करता है अगर वन प्लस पी प्लस क्यू करने से हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है तो ये इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा ई e की पावर प्लस एक्स और अगर पी प्लस क्यू एक्स करने से आंसर हमारा ज़ीरो आ रहा है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा एक्स ठीक है अब हमने अपना जो है ऑर्डर को जो है रिड्यूस करना है तो ऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए आपको पता है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते वी से ये मेथड है इन तीन तरीक़ों से हमने अपना सोल्यूशन चेक करना है कौन सा है जो भी हमारे पास सोलूशन आएगा उसके साथ हम वी को लिख देंगे वो हमारा y बन जाएगा ठीक है इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू में भी किया था तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या मेथड था बहरहाल जहाँ तक मैं इस लेक्चर में रिपीट कर सकूँगी मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ रिपीट करती जाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कॉप्शन वन होना चाहिए इस तरह की इक्वेशन में इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है उसका कॉफिशेंट वन होना चाहिए तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका कॉफिशेंट हमने वन किस तरह से बनाना है कि वन माइनस एक्स स्क्र से मैं डिवाइड कर दूँ अपनी होल इक्वेशन को ठीक है जी वन माइनस एक्स स्क्र से मैंने डिवाइड कर दिया अब मैंने चेक करना है कि इसमें से कौन सी मेरी जो है कंडीशन फुलफिल होती है कौन सा मेरे पास सोल्यूशन आएगा ये देखो ये मेरे पास लिखा हुआ है टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्र अगर क्यू के साथ मैं एक्स लिख दूँ क्यू के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्र ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जीरो तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा सोलूशन एक्स है अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लें यहाँ पर आपके पास वन होना चाहिए ये साइन के साथ साइन के साथ आपका पी है और ये साइन के साथ आपका क्यू होता है तो पी प्लस क्यू एक्स को चेक करने लगी हूँ पी है मेरा माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्र प्लस क्यू है मेरा टू ओवर वन माइनस एक्स का स्क्र इन टू एक्स तो ये दोनों मेरे पास सेम हो गए कट गए ज़ीरो आ गया तो मेरे पास जो y है वो क्या आ जाएगा वी इंटू एक्स ठीक है जी अब आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन थी उसमें कितने डायरेवेटिव इन्वॉल्व हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इस y के मैंने डबल डेरिवेटिव लेना है इस y को मैंने टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है y डैश इज इक्वल्स टू वी वैसी एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स वैसी वी का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वी बाय डी एक्स फिर एक और डेरिवेटिव मुझे चाहिए वी का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वी बाय डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन ये वाला साथ वैसी फिर प्लस एक्स वैसी और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर ये भी डी वी बाई डी एक्स है ये भी डी तो वी बाई डी एक्स है मैं लिख सकती हूँ टू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश ये मेरे पास y आया ये मेरा y डबल डैश सॉरी y सिंगल डेरिवेटिव आया y का ये मेरे पास y का डबल डेरिवेटिव आया इन सब की वैल्यूज़ मैंने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है आप चाहें तो गिवन इक्वेशन में पुट कर लें आप चाहें तो जहाँ हमने उसको मज़ीद जो है इवेल्यूएट करके लिखा था आप वहाँ पुट कर लें यहाँ पुट करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए क्यों क्योंकि फिर आपको दोबारा वन माइनस एक्सक्वेयर से अगर इधर पुट करूँगी तो दोबारा वन माइनस एक्स स्क्र से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ वन चाहिए तो बेहतर है कि जब आप एक दफ़ा डिवाइड कर चुके हैं तो इसी इक्वेशन में जो है सब्सिट्यूट कर लें चलें जब हम सब्सिट्यूट करने लगे हैं तो डबल डेरिवेटिव की जगह ये वाली पुट करनी है सिंगल डेरिवेटिव की जगह ये वाली और वाई की जगह पे ये वाली तो सिंपली बस पुट कर देना है डबल डेरिवेटिव की जगह आ गया टू डी बाई डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्र माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्र वैसी और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है वो है मेरे पास वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स का स्क्र और वाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया वी एक्स ठीक है जी और इक्वल में आपको पता है कि जी हमारे पास जीरो है आगे चलते हैं हम यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपना लास्ट स्टेप टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्र माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस टू इंटू टू ओवर वन माइनस एक्सर और साथ हमारे पास था जी वी एक्स चलें जी। जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो खोल सकते हैं ब्रैकेट्स वगैरह उसको खोल लें ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए ये मेरा माइनस टू एक्स इस वी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स वी ओवर वन माइनस एक्स स्क् प्लस माइनस माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी ये बन जाएगा टू एक्स स्क् वन माइनस एक्स स्क् डी वी बाय डी एक्स प्लस टू वी एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्स टू जीरो अब आपको बताएगी ये टर्म मेरी प्लस में लिखी हुई है ये माइनस में लिखी हुई है यह कैंसिल हो गई ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव वाली आ रही है डबल डेरिवेटिव वाली को हम पहले लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं सिंगल डेरिवेटिव वाली सिंगल डेरिवेटिव वाली मेरे पास क्या है सिंगल डेरेवेटिव वाली है मेरे पास टू माइनस टू एक्स का स्क्यर ओवर वन माइनस एक्स का स्क्यर इन टू डी वी बाय डी एक्स क्या किया मैंने एक टर्म ये थी एक टर्म ये थी डी वी बाई डी एक्स कॉमन कर लिया अंदर मेरे पास बच गया टू माइनस टू एक्स स्क्र ओवर वन माइनस एक्स का स्क्यर इज इक्वल टू में मेरे पास है ज़ीरो ठीक है जी फिर बताती चलूँ क्वेश्चन नंबर वन और टू में जिस तरह हमने किया था बिल्कुल उसी तरह आपने उसमें हमने कम्प्लीमेंट्री सोलूशन फाइंड किया था इसमें क्योंकि हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आई थी तो हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आसानी से नहीं निकाल सकते थे इसलिए हमने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो इन तीनों की मदद से निकाला है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरा पास आ गया वाई पी इज इक्वस टू वी ऑफ एक्स जितने डेरिवेटिव मेरी इक्वेशन में इन्वॉल्व थे उतने मैंने इसके डेरिवेटिव लिए अपनी इक्वेशन में बैक सब्सट्यूट कर दिया बैक सब्सिट्यूट करने के बाद ये हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं ठीक है हमने अपना डेरिवेटिव का ऑर्डर रिड्यूस करना है मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ रहा है ठीक है यानी कि मेरी डिफेंचल इक्वेशन का ऑर्डर आ रहा है टू मैंने इसको रिड्यूस करना है पहले भी बताया गया है क्वेश्चन नंबर वन और टू में कि क्यों रिड्यूस करना है क्योंकि आपने अपनी इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है और आपको फिर बताती चलूँ कि आपके पास बर्नौली इक्वेशन क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इन टू वाई इज़ इक्व टू क्यू ऑफ एक्स वाई की पावर एन ठीक है जी तो यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है मेरा कौन सा आ रहा है सेकंड ऑर्डर तो आप लेट कर लो यू आपके पास है डी वी बाय डी एक्स इसको मैंने किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया क्यों लेट किया है यहाँ पर देखें ये मेरे पास पी ऑफ एक्स इसके साथ क्या है सिंपल आपके पास वेरिएबल है जबकि मेरे पास वेरिएबल का क्या आ रहा है डेरीवेटिव तो इस डेरीवेटिव को मैंने किसी सिंपल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया अब जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्यर अब आप देख सकते हैं कि ये डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर ये इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है डी यू बाई डी एक्स तो क्या बन जाएगा एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स का स्क्यर होगा वन माइनस एक्स का स्क्यर इंटू यू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब आप देखो ये इसका कॉफिशन ये बर्नौली इक्वेशन लिखिए इसका कॉफिशन क्या है वन मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है एक्स चलें जी डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे मेरे पास डी यू बाई डी एक्स उसके बाद कोई पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का ये मेरे पास फंक्शन आ रहा है एक्स उसके बाद साथ है वाई मेरा इक्वेशन क्योंकि यू वेरिएबल में है तो मेरा यू आ गया उसके बाद राइट साइड पर भी कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स का क्या है यहाँ पर नहीं है तो जब इस तरह की आपके पास कंडीशन आ जाए तो आपने जो आपका पी ऑफ एक्स इंटू यू बन रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा टू माइनस टू एक्स केयर होगा वन माइनस एक्स केयर इंटू यू अब देखें जी अब तो आंख बंद करके आप देख सकते हैं कि इस पर सेपरेशन और वेरिएबल लग जाना है मतलब मैं यू वाले अलग कर लूँ और मैं जी अपने जो मेरे एक्स वाले हैं उसको मैं अलग कर लूँ ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आएगा मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड ठीक है जी सॉरी यहाँ पे यू आया था इसको हमने क्या करना है जी इंटीग्रेट ये मेरे पास लिखा हुआ है वन ओवर यू इंटू डी यू इज़ इक्वल्स टू माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस का बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा मेरे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्र ओवर वन माइनस एक्स स्वयर माइनस टू इंटू वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स इसकी तो आप सबको इंटीग्रेशन पता है क्या क्या होती है लॉग में चला जाता है ठीक है इसको ज़रा हम देख लेते हैं ये क्या बला है जी वन माइनस एक्स स्वयर एल्सीयम आ गया ये ऊपर वाला वैसे ही इसके साथ वन माइनस एक्सक्र नहीं था तो मल्टीप्लाई हो गया और साथ ये एक्स लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख सकती हूँ इंटू डी एक्स ये कुछ नहीं है अब इसको सिंप्लीफाई कर लें टू एक्स स्क्र माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्र ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स मेरे पास आ गया एल एन ऑफ यू इज इक्वल टू टू एक्स सॉरी टू एक्स स्क्र और टू एक्स स्क्र कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्र माइनस टू ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स का स्क्र इंटू डी एक्स ठीक है इसको मैंने इंटीग्रेट करना है इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं जब आप अपने डिनोमिनेटर्स जो आपके पास डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं अगर उसको आप क्या कहते हैं लिख सकें उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें तो कर लें ये मेरे पास आ रहा है फोर एक्स स्क्र माइनस टू ये एक्स तो वैसे ही रहेगा इसको क्या फैक्टराइज करूँ ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर तो आपको पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्यर को कैसे लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी और इस तरह की जब आपके पास सूरत हाल आ जाए तो आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं पार्शल फ्रैक्शन चलें जी पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या है जी ओवर एक्स प्लस बी ओवर वन माइनस एक्स प्लस सी ओवर वन प्लस एक्स ठीक है जी एल्सियम लूँगी इस तरफ लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी एक्स आ जाएगा वन माइनस एक्स आ जाएगा वन प्लस एक्स आ जाएगा इधर तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स है तो इधर तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा इधर देखें जी ए लिख लिया मैंने ए के नीचे एक्स है ये दोनों नहीं है ये दोनों मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी बी के नीचे ये है ये वाली है ये दोनों नहीं है इनको मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सी लिखा है सी के नीचे वन प्लस एक्स है ये प्लस वाली है ये दोनों नहीं है तो जो नहीं होंगी इसके नीचे या इसके नीचे या इसके नीचे जिसके नीचे जो मिस है उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना दूसरा और सबसे आसान तरीका एलसीएम लेने का कि एलसीएम आपका ये आया है इसको सी से भी मल्टीप्लाई कर दो इसको इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो इसको इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दें बाकी जो बच जाएगा उसको आपने लिखते हैं अभी आ गया फोर एक्स स्क्र माइनस टू ये एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे पास रह गया ए इन ए स्क्यर ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी एक्स वन प्लस एक्स प्लस सी एक्स वन माइनस एक्स ठीक है जी अब एक दफ़ा मैंने एक्स को पुट करना है जीरो एक दफ़ा एक्स को मैंने पुट करना है वन एक दफ़ा एक्स को पुट करना है माइनस वन ये चीज़ें मुझे कैसे पता लगी हैं ये आपने यहाँ से देखनी है इसको देख लो ये आपके पास ये फैक्टर्स बने हैं इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो एक दफ़ा की वैल्यू जीरो आ जाएगी एक दफ़ा वन माइनस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो की वैल्यू आ जाएगी वन एक दफ़ा वन प्लस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन तो ये मैंने लिख दिया जीरो वन और माइनस वन चलें जी अब हम पुट करते हैं मेरे पास आ गया एक्स को जीरो पुट करने लगी हूँ जीरो माइनस टू इज़ इक्वल टू ए यहाँ ज़ीरो पुट करूंगी जीरो खाली वन रह जाएगा प्लस बी के साथ एक्स है यहाँ ज़ीरो पुट किया ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो प्लस सी इंटू ज़ीरो इंटू वन माइनस ज़ीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो यहाँ से मेरे पास सिर्फ क्या बच गया ए ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो को फ़ोर से मल्टीप्लाई किया जीरो यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया माइनस टू ए की वैल्यू मुझे मिल गई अब आपने निकाल दी है जी बी और सी की वैल्यू अब पुट कर दें जी एक्स को वन अब वन पुट करती हूँ यहाँ पे फोर वन जर फोर फ़ोर माइनस टू इज इक्व टू ए यहाँ वन पुट करूँगी वन माइनस वन ज़ीरो प्लस बी एक्सी जगह पे वन पुट किया वन प्लस वन प्लस सी वन और वन माइनस वन करूँगी तो वो फिर अगेन आपके पास क्या हो जाएगा ज़ीरो ये भी टर्म ज़ीरो वाली भी ज़ीरो यहाँ पे वन प्लस वन टू टू वन जो टू टू इंटू बी टू बी फोर माइनस टू 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 से कैंसिल हो गया तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई वन बरए मेहरबानी ध्यान रखिएगा इसको तो जीरो नहीं कर देना ये टू यहाँ बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड होना जब टू को टू पे डिवाइड करेंगे तो वन बी की भी मिल गई अब मैंने एक्स को क्या पुट करना है माइनस वन अब माइनस वन पुट करना है जी माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर ध्यान रखना है एक माइनस ये है और एक माइनस इसके साथ आ रहा है माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना इसके ऊपर स्क्वायर भी है पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है जो आंसर आएगा उसको फिर वन में से माइनस करना है प्लस बी इंटू माइनस वन इंटू वन प्लस माइनस वन प्लस सी इंटू माइनस वन इंटू वन माइनस माइनस वन ठीक है जी जहाँ जहाँ एक आता है उसकी जगह माइनस वन पाइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन प्लस बी इंटू माइनस वन वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस माइनस सी वन माइनस माइनस प्लस वन ठीक है जी फोर वन जरा फोर फोर माइनस टू इट बिकम्स टू वन माइनस वन जीरो ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो वन माइनस वन जीरो ज़ीरो इंटू माइनस वन जीरो जीरो इंटू बी जीरो तो यहाँ से मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस सी और ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू रहा है टू ओवर टू ठीक है ये टू यहाँ पे था इस माइनस टू से मैंने डिवाइड कर लिया तो ये सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस वन अब ये सारी वैल्यूज़ ये मेरे पास जो आई हैं इसको मैंने वापस अपने अपने इंटैग्रल में पुट कर देना ठीक है ये वाली चीज़ को मैंने इंटीग्रेट करना था ये वाली चीज़ मेरे पास इसके इक्वल है ये प्लस के साइन जी बाहर आने हैं इसके इक्वल है यहाँ ए की पुट कर देनी है बी की पुट कर देनी है और सी की चलें जी पुट करने लगी ए की पुट करेंगे ए क्या है मेरे पास माइनस टू आया ओवर एक्स प्लस बी की पुट करनी है बी मेरे पास क्या आया वन ओवर वन माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम और सी मेरे पास क्या आया है माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स ठीक है ये मेरे पास किसकी इंटीग्रेशन है फोर एक्स स्क्र माइनस टू इंटू फोर एक्स स्क्र माइनस टू ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स का स्क्यर वन माइनस एक्स का स्क्यर लिख लें या वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स लिख लें इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलें जी माइनस टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया वन ओवर एक्स डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रेशन सिर्फ मैं उसी वक्त कर सकती हूँ जब आगे डायरेवेटिव मौजूद हो तो माइनस एक्स का डायरेवेटिव क्या होता है माइनस वन जबकि मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस वन तो चलें जी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर भी और बाहर भी ये मेरे पास आ गया वन माइनस एक्सटी एक्स दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कहते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस वन से डिवाइड भी कर दिया ठीक है जॉन सा आपको ईजी लगे ये प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास रह गया वन ओवर वन प्लस एक्सटी एक्स माइनस टू वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये लॉग में चला जाएगा माइनस वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये किस में चला जाएगा लॉग में माइनस वन प्लस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ये किस में चला जाएगा लॉग में चलें जी और साथ क्या आता है एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है ये मेरे पास आई है जी इसकी इंटीग्रेशन और राइट लेफ्ट साइड पे मेरे पास लॉग ऑफ यू जो है पहले से मौजूद है आप देखें जी क्या करना है इसको सामने रख लेते हैं पेज को मेरे पास था जी लॉग ऑफ यू इज़ equals टू इसका आंसर मेरे पास आया है आंसर जी आपके पास आया है माइनस टू इंटू एलन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ़ वन माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस एल एन ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एलेन ऑफ सी ठीक है जी अब आपको पता है कि जी सारे लॉग में हैं तो जिसके साथ प्लस का साइन होता है वो ऊपर जिनके साथ माइनस के साइन होते हैं वो नीचे तो ये पावर जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा एक्स केयर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स और इस सारे के साथ है लॉग ठीक है जी लॉग की जो माइनस में लिखी होती हैं वो सारी कंबाइन होकर नीचे आ जाती हैं डिवाइड में जो प्लस में लिखी होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो मेरे पास यू की वैल्यू आ गई इसी ओवर एक्स स्क्र इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स अब यू मेरे पास था क्या ठीक है जी ये यू मेरे पास क्या था जी ये यू मेरे पास था जी डी वी बाय डी एक्स वापिस पुट कर दें याद रखें जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होता है आपने आंसर उसी वेरिएबल में देना है यू मेरा है जी डी वी बाई डी एक्स चलेंट कर दिए वन माइनस अब आपको मालूम होगा कि वाई आपका था वी एक्स तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए वी की ये मेरे पास क्या आ रहा है वी का डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट चलें जी इंटीग्रेट कर दें डेरिवेटिव इंटीग्रल एंटी होते हैं कैंसिल हो जाएगा सॉरी वी आ गया ये सी मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ले मेरे पास आ गया एक्स स्क्र वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स अब इसको कैसे सॉल्व करना है अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करनी है पार्शियल फ्रैक्शंस एक्स स्क्र है वन माइनस एक्स है वन प्लस एक्स है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स का स्क्र प्लस सी ओवर वन माइनस एक्स प्लस डी ओवर वन प्लस एक्स ठीक है जी क्या एलसी आ जाएगा एलसीएम में यही सारी चीज़ें आ जानी है वो इससे कैंसिल हो जाएंगी आपके पास आ जाएगा जा जा वन याद रखिएगा कि जब इसका एलसीयम लेते हैं आपके पास एल में आना है मेरा ख्याल है कि मैं लिख ही देती हूँ कुछ बच्चे जो है ना गलत कर देते हैं एल में आना है एक्स स्क्र वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स ये एक्स नहीं आना जहाँ आपके पास सेम टर्म्स आ जाए उसमें से सिर्फ हाइएस्ट पावर वाली एलसीएम आती है ठीक है जी एक्स और एक्स स्क्र दोनों नहीं लिख देने ये वाली टर्म मेरे पास सारी इससे कैंसिल हो गई ऊपर मेरे पास क्या बचेगा ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स ठीक है आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसके नीचे एक्स है ये ये और ये नहीं है ठीक है एक्स स्क्र में से एक पावर थी एक नहीं थी वो मैंने साथ लिख दी वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स प्लस सी सी के साथ अब क्या क्या नहीं है एक एक्स स्क्र नहीं है और एक वन प्लस एक्स नहीं है बी वाला मैं बीच में से मिस कर गई हूँ बी वाला हम यहाँ लिख लेते हैं जी बी के नीचे एक्स स्क्र है ये दोनों नहीं है सात आ जाएगी ठीक है जी और डी के साथ वन प्लस एक्स है ये दोनों नहीं है तो ये भी साथ आ जाएगी ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस डी एक्स का स्क्यर वन माइनस एक्स ठीक है जी अब ज़रा इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को जरा देखने में आसानी हो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस बी इन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स लिखा हुआ वन माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया प्लस सी एक्स का स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस डी एक्स का स्क्र वन माइनस एक्स अब आपको पता है एक दफा एक्स को जीरो पुट करना है एक दफा एक्स को माइनस वन पुट करना है, 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 है। ये आपका मैं फिर बताती चलू इस चीज पे डिपेंड करता है इसको जीरो के इक्वल रखूंगी यहां से माइनस वन मिलेगी इसको जीरो के इक्वल रखूंगी यहां से प्लस वन मिलेगी इसको जीरो के इक्वल रखूंगी तो एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी चलो जी ज़ीरो पुट किया वन इज इक्ोसू यहाँ जीरो पुट किया ये जीरो ने इससे मल्टीप्लाई होना है इससे मल्टीप्लाई होना है सारा जीरो यहाँ जीरो पुट किया आपके पास क्या बच जाएगा बी यहाँ जीरो पुट किया जीरो यहाँ जीरो पुट किया जीरो तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई ठीक है जी अब मैं पुट करने लगी हूँ वन यहाँ देखें वन पुट करूंगी वन माइनस वन जीरो जीरो ने जब इस सबसे मल्टीप्लाई होना है जीरो यहाँ वन पुट किया वन माइनस वन जीरो जीरो ने सबसे मल्टीप्लाई होना है जीरो यहाँ वन पुट किया वन माइनस वन जीरो जीरो ने सबसे मल्टीप्लाई होना है जीरो यहाँ वन पुट किया वन प्लस वन क्या इतना हो गया टू टू इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है वन टू इंटू वन वन सॉरी टू इंटू वन टू ये मेरे पास आ गया टू सी और इस साइड पे मेरे पास आपके पास क्या है वन सी तो की वैल्यू क्या आ गई गईस टू सी ठीक है जी अब मैंने क्या पुट करना है माइनस वन तो देखते जाए माइनस वन से कौन कौन सी जीरो बनेगी यहाँ माइनस वन पुट किया ये वन प्लस लिखा हुआ है माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस वन जीरो ये खत्म हो जाएगी यहाँ मैंने माइनस वन पुट किया ये वाली टर्म भी जीरो ये जीरो होगी इससे मल्टीप्लाई हुई जीरो इससे मल्टीप्लाई हुई जीरो इससे मल्टीप्लाई हुई जीरो तो ये वाली टर्म भी सारी ज़ीरो में चल जाएगी ये आपके पास जो प्लस सी वाली टर्म है ये भी सारी जीरो में चली जाएगी अब यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स में ले रही हूँ माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन तो ये वन माइनस प्लस वन क्या बन जाएगा वन माइनस प्लस वन तो वन प्लस माइनस माइनस वन तो कितना हो गया जीरो ये भी ख़त्म ठीक है जी तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा डी की जगह क्या पुट कर... सॉरी एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस वन एक माइनस ये एक माइनस ये इसको मैं लिखने लगी हूँ प्लस माइनस वन का स्क्वायर लेंगे वन वन प्लस वन ये मेरे पास आ गया टू डी और आपको पता है कि आपकी राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या है वन ठीक है जी तो वन मेरे पास इक्वल आ गया टू डी के ये मेरे पास आ गया वन ओवर टू इज़ इक्वल टू डी अब मुझे बी की भी मिल गई सी की भी मिल गई डी की भी मिल गई मेरा ए रह गया ठीक है जी क्या रह गया ए रह गया तो देखें जी ए को कैसे निकालना है किसी एक के आप कॉफिशियंट्स कंपेयर कर लें किसी एक एक्स स्क्र के करना चाहते हैं एक्स स्क्यर के कर लें एक्स के करना चाहते हैं एक्स के कर लें एक्स क्यूब के करना चाहते हैं एक्स क्यूब के कर लें कॉफिशेंट्स कैसे कंपेयर करते हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना वन इज इक्वल टू ए एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी इसको जब मल्टीप्लाई किया अंदर मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब क्या आ गया जी एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब और यहाँ बाहर जी मेरे पास सी है प्लस डी इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी अंदर एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ठीक है जी अब जब मैं ए वाले को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास ये एक्स है एक्स बन जाएगा इसको इससे करूँगी तो एक्स का क्यूब बन जाएगा ठीक है जी अब आप देख लो अगर आप एक्स क्यूब के कॉफिशेंट्स कंपेयर करना चाहते हो इधर तो एक्स क्यूब है ही नहीं तो उसका कॉप्शन जीरो इधर एक्स क्यूब है उसका कॉप्शन क्या लिखा हुआ है माइनस इसको ए से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया माइनस ए इधर एक्स क्यूब है ही नहीं इधर है मेरे पास एक्स क्यूब का यहाँ पे कॉप्शन क्या वन वन को जब सी से मल्टीप्लाई किया सी एक्स क्यूब का कॉप्शन माइनस वन माइनस वन को जब डी से मल्टीप्लाई किया माइनस डी अब आपके पास सी की वैल्यू भी है आपके पास डी की वैल्यू भी है पुट कर दें सी वन ओवर टू था डी जो है वो भी वन ओवर टू है तो वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू ये ख़त्म हो गया तो ए मेरे पास क्या आ गया ज़ीरो ठीक है ए मेरे पास जीरो बी वन सी बी वन ओवर टू डी भी वन ओवर टू अब ये जो ए बी सी डी की मेरे पास वैल्यू आ गई इसको मैंने किधर पुट करना है इधर क्यों क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेट करना था इसको मैंने इंटीग्रेट करना था ये वाली चीज़ इसके बराबर है ठीक है या मैं ए बी सी डी की वैल्यू पुट करूँगी तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो देखें जी ए बी सी डी की वैल्यू कैसे पुट करनी है ए तो आपके पास हो गया जीरो ठीक है जी ये मेरे पास इंटीग्रेशन है जी वन ओवर एक्स के वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स की क्या आई है जी ए तो जीरो है चलें जी, जी जीरो के नीचे एक्स था ए के नीचे क्या था एक्स था मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि जी मैं किस इक्वेशन में वैल्यू स्कूट कर रही हूँ ये वाली ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्स सी ओवर वन माइनस एक्स प्लस डी ओवर वन प्लस एक्स ठीक है जी बी मेरा था वन सी मेरा है वन ओवर टू और साथ लिखा हुआ है वन माइनस एक्स और डी मेरा है जी वन ओवर टू और साथ लिखा हुआ है जी वन प्लस एक्स अब आपको पता है ये तो ज़ीरो है इसने तो खत्म हो है। जा जाना है वन ओवर एक्स केयर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पावर ऊपर ले जाएं ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी ये वन ओवर वा टू कॉन्सटेंट है इसको मैंने बाहर निकाल दिया मेरे पास रह गया वन माइनस एक्स ये वन ओवर टू कॉन्सटेंट है इसको मैंने बाहर निकाल, निकाल दिया मेरे पास आ गया वन प्लस एक्स ठीक है जी अब इसको सॉल्व कर लें पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव मौजूद है पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड प्लस वन ओवर टू वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो ये मेरे पास लॉग में चला जाएगा वन माइनस एक्स और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ठीक है जी प्लस वन ओवर टू वन प्लस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो वन का ज़ीरो हो जाना एक्स का वन तो वन ऊपर मौजूद है तो उसको जस्ट आपने लॉग में लिख देना नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो याद रखिएगा कि, कि पावर ना हो अगर पावर आ गई तो उसको ऊपर ले जा नेगेटिव कर लें अगर पावर नहीं है और नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो जस्ट आपने लॉग में लिख देना तो ये माइनस मैं इधर लगा सकती हूँ कोई मसला तो नहीं जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं और ये की पावर मेरे पास माइनस वन है इसको पॉजिटिव करने के लिए वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर टू एल एन ऑफ वन माइनस एक्स प्लस वन ओवर टू एल एन ऑफ़ वन प्लस एक्स ठीक है जी अब आपको मैंने पहले भी बताया जो लॉग वाली टर्म्स होती हैं आपके पास प्लस वाली ऊपर आ जाती है माइनस वाली नीचे चली जाती है ये मेरे पास प्लस के साथ लिखी हुई है ये माइनस के साथ तो माइनस वाली नीचे प्लस वाली ऊपर और ये मेरे पास किसके इक्वल है इसकी इंटीग्रेशन आई है और ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी इसकी इंटीग्रेशन हमने निकाल ली यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है तो जो वैल्यू आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है सी से वो किसके बराबर आ जाएगा वी के तो ये वी इज़ इक्वल टू ये मेरे पास आ गया सी इन टू ठीक है जी ये जो इंटीग्रेट किया है ना इसकी वैल्यू मैंने वापस पुट की है यहाँ पे ये यह v वैसे ही c वैसे ही इसकी जो वैल्यू आई वो यहाँ लगा दी ठीक है जी अब आपका v क्या था आपका था y इज़ इक्व टू वी एक्स तो v सॉरी oh y इज इक्व टू वी एक्स तो v क्या हो जाएगा ये यह x यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड y ओवर x हो जाएगा ये जी मेरे पास हो गया y ओवर x और याद रखिएगा कि जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आना है उसको सी वन कह लें ठीक है ये मेरे पास आ गया सी माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर टू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स ये सी ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है इससे भी होना है और इससे भी होना है इससे भी होना है इससे भी होना है उसको मैंने ब्रैकेट में ही रहने दिया लेकिन ये सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा कॉन्सटेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया इट्स अगेन अ कॉन्सटेंट इसको डिफ्रेंट करने के लिए मैंने सी डैश कर दिया आप सी टू कर लें या सी वन लिखा हुआ कोई भी दूसरा नाम दे लें अब ये एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ गया सी एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर टू इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस और जब इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा सी एक्स मैंने सी डैश नाम दिया हुआ तो यहाँ पे सी डैश आ जाएगा तो ये जी मेरा पास था इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है जी तो आपने क्या फाइंड करना था एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव थी हमारे पास इसका जी आपने फाइंड करना था पर्टिकुलर सोल्यूशन जो मैंने निकाल लिया जी वो मेरे पास कुछ इस तरह से आया है तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स ने इस एक्स से कट जाना ठीक है तो मेरे पास क्या रह जाएगा वन प्लस वन ओवर टू एल ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें कर लें ना करना चाहें तो ना करें यही आपके पास जो है आंसर है अगर आप इसका कम्प्लीमेंट्री सोलूशन लिखना चाहते हैं तो कम्प्लीमेंट्री सोलूशन लिखने का एक ही तरीका है कि वाई मेरे पास वी एक्स था तो वी की जगह आपने सोलूशन मेरे पास एक्स आया ना वी तो मैंने बाद में पुट किया पर्टिकुलर बनाने के लिए सोलूशन मेरे पास पी प्लस क्यू एक्स जीरो आया तो सोल्यूशन क्या था एक्स तो जो सोलूशन आता है उसके साथ आप सम समस्टेंट डाल देते हैं तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सोलूशन में भी टर्म रिपीट हो रही है तो दो दफ़ा नहीं लिखनी जब मैं वाई लिखूंगी वाई मेरा वाई सी प्लस वाई पी है तो अगर वाई सी और वाई पी में कोई टर्म सेम आ रही है तो उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है तो मेरे पास आ जाएगा सी एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर टू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस सी डैश एक्स ठीक है जी दैट्स ऑल आज के लिए इतना ही आई थिंक काफ़ी है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अला हाफिज़